ओ भाई ये यार खून, ओ भाई साहब, छोड़ना मत, छोड़ना मत हाथ। एक रुक 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 रुक, पीछे के यार इतनी ज्यादा कैसे जाऊंगा अभी यार, टूट गया लात, कहाँ पे लगी है अच्छी से दबा ले थोड़ा। ओ एक रुक, दबा ले। सो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दानिश खान व्लॉग। सो गाइस कैसे हो सब लोग, होप करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। सो गाइस अभी ना मैं हूँ अपनी डोक में, पहले तो मैं गांव में था, लेकिन जो हम गांव वाले बंदे होते हैं ना गाइस, 6 महीने हम डोक में रहते हैं और 6 महीने हम गाँव में रहते हैं। जब गाँव में ना ज्यादा गर्मी हो जाती है तो फिर हम आ जाते हैं अपनी प्यारी सी डोक में, और जब डोक में सर्दी हो जाती है तो फिर हम चले जाते हैं सीधा गाँव में। सो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक जरूरी बात बता देता हूँ, कान खोल के सुनना आंखें बंद करके। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, सब्सक्राइब कर देना। आप सोच रहे होंगे ये बोल रहा है कान खोल के आंखें बंद करके, गाइस मैं आपको सुनने के लिए बोल रहा हूँ यार, जरूरी बात मतलब जो होती है ना वो सुना करो यार, देखा ना करो। तो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना, और जैसे ढेर सारा प्यार दिखा रहे हो ना बस ऐसे ही दिखाते रहो प्यार। सो गाइस जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि मैं अपनी छोटी सी प्यारी सी डोक में हूँ, क्यों ना आपको डोक का व्यू भी दिखा देता हूँ। सो गाइस आप ना अच्छी तरह से एंजॉय करना व्यू को, कमेंट करके जरूर बताना कैसी है अपनी डोक। सो गाइस ये जो आप मेरे पीछे ये पहाड़ देख पा रहे होंगे, ये मैंने आपको पहले भी बताया बहुत सारे लोगों में, बट अच्छी तरह से नहीं बताया होगा, तो चलो वापस दिखा देता हूँ आपको अपनी डोक में। जो ये जगह है ना, ये वाला पहाड़ अपने को एक नंबर लगता है, और यहाँ से नीचे ना एकदम मस्त सा व्यू दिख रहा है, देख पा रहे हो यार। ये ना अपनी जो मुगल रोड है, रजौरी टू मतलब जो श्रीनगर जाती है, ये वाली रोड वापस से तैयार हो रही है, 4-वे बना रहे हैं, तेजी से काम चल रहा था बट अभी रोका हुआ है पता नहीं किस वजह से। और गाइस देख पा रहे हो यार, मतलब ना एकदम मतलब फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है, मतलब मस्त वाला। और यहाँ पे बैठ के ना यार बहुत ही मजा आता है, ठंडी ठंडी हवा चलती है ना गाइस, सोचो कि जन्नत में हो यार, ऐसी जगह है, ऐसी अपनी डोक है, काफी मस्त है। और यहाँ से रोड भी पास है, ये नीचे अपना घर उस तरफ है और रोड ये रही नीचे। ये जो देख पा रहे हो यार, ये फ्रूट वाला पेड़ है, चेक करो यार व्यू, देखो एक नंबर व्यू है यार यहाँ से, काफी अच्छा। अभी ना देख रहे हो यार सूरज भी डूब रहा है, और व्यू देखो यार काफी अच्छा लग रहा है व्यू यहाँ से। तो गाइस चेकआउट करो यार मेरे पीछे व्यू, देख पा रहे हो यार काफी अच्छा लग रहा है इस जगह से, ऊंची ऊंची जगह, और यहाँ से नीचे ना व्यू काफी अच्छा है, और यहाँ से ना एकदम आपको पूरा व्यू देखने को मिलता है यहाँ से नीचे जो रोड वगैरह है। और उस तरफ जो है ना, उस तरफ मैगी मोड भी है, मैंने आपको मतलब वो भी व्लॉग में डाला है, तो हो सकता है फिर से बना लूँ एक दो व्लॉग, तो कमेंट करके ज़रूर बताना अगर मैगी मोड का एक दो और व्लॉग चाहिए तो मैं बना दूंगा यार आपके लिए, ना कुछ भी करूँगा। बट जैसे ही आप स्पोर्ट दिखा रहे हो ना यार, बस ऐसे ही स्पोर्ट दिखाते रहो यार, मतलब ना बंदा एकदम मोटिवेट हो जाता है और बंदा फिर दिल से लग जाता है काम पे। तो कमेंट करके जरूर बता दिया करो यार कैसा लगता है व्लॉग। डोक में ना मतलब एकदम ग्रीनरी ग्रीनरी है, काफी अच्छा लग रहा है, दरख्त भी बड़े बड़े हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आपको भी बताऊं। आज हमारे साथ ना हमारे अजहर भाई भी हैं, ये रहे अजहर भाई, कैसा लग रहा है यार आज डोक में आके? अच्छा लग रहा है, काफी बेटर फील कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ तो यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी नहीं है, इवनिंग का वक्त, अभी सनसेट का टाइम है, तो थोड़ा काफी अच्छा व्यू है यहाँ पे, घूमने के लिए बाहर आए थे तो वीडियो बनाने स्टार्ट हो गए। तो गाइज मतलब इवनिंग का टाइम है ना, काफी अच्छा वक्त है, मतलब दिन वगैरह को ना धूप ही धूप होती है, लेकिन जो अपनी डोक है ना यहाँ पे भी ना दिन को मतलब उतनी गर्मी नहीं होती, धूप वगैरह उतनी ज्यादा नहीं होती। अजहर भाई भी जा रहे हैं अभी आगे, तो यहाँ पे मैं लेता हूँ सिनेमैटिक शॉट्स, थोड़ा टाइम लगेगा, तो गाइज मिलते हैं आगे। सो गाइज मेरे पीछे देख पा रहे हो यार, गाइज चेकआउट करो यार, लोकेशन चेक करो यार, क्या मस्त जगह है, एकदम ना जन्नत से कम नहीं है। और अभी ना यहाँ पे हमारे यहाँ पे एक मतलब बावली भी है जहाँ से पानी वगैरह लेते हैं, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। और यार चेकआउट करो यार पीछे, मतलब व्यू देखो यार, एकदम फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट, और दरख्त देख रहे हो यार कितने बड़े बड़े हैं, मतलब काफी अच्छा लग रहा है। तो भाई चलते हैं आगे, अभी ना मेरे को काफी टाइम हो गया, मैं सिनेमैटिक शॉट ले रहा था और अजहर भाई काफी आगे चले गए हैं, तो उनको पकड़ना पड़ेगा। अभी ना मैं पीछे व्लॉग करते करते पीछे रह गया हूँ, तो काफी आगे चले गए, जंगल भी डर भी लगता है यार, मतलब ना एकदम जंगल है लेकिन अच्छी जगह है यार। तो अजहर भाई आगे चले गए, जल्दी से जल्दी चलते हैं, उनको चल के पकड़ते हैं यार। सो
गाइस जिस बावली के बारे में मैं आपको बता रहा था कि अपने डोग में ना सब लोग वगैरह यहाँ से ही पानी लेते हैं और हम भी यहाँ से ही लेते हैं। काफी ठंडा पानी होता है बावली का और फ्रिज वगैरह ना सबको पीछे रख देता है यार, जो अपनी डोग का पानी होता है। और गाइस देख पा रहे हो यार, ये रही अपनी बावली, पानी इसके अंदर से ही भरना पड़ता है, अंदर काफी जगह पानी वगैरह तो अंदर से ही भरते हैं सब। काफी अच्छी जगह यार, लोकेशन चेकआउट करो यार, कमेंट करके जरूर बताना यार कैसी जगह लगी आपको, जन्नत से कम नहीं है यार। तो कैमरे में मतलब उतनी अच्छी नहीं दिखाई दे रही होगी, लेकिन यार जो रियल लाइफ जो मतलब अपनी आंखों से देखोगे ना यार, जब आप बोलोगे क्या जगह है यार। तो गाइस चलते हैं आगे, क्योंकि गाइस अजहर भाई ना काफी आगे चलेंगे, यहाँ ढूंढना भी पड़ रहा है उनको। और गाइस ये ऊपर पेड़ देख पा रहे हो, ये वाला, ये ना वो नाशपति वगैरह होती है ना, ये उसका पेड़ है, लेकिन इस बार कुछ लगा नहीं हुआ। बंदर वगैरह भी होते हैं यहाँ पे ना, वो खा लेते हैं ये नाशपति वगैरह सब कुछ। तो ये गाइस ये जो पेड़ देख पा रहे हो आप, ये वाला, ये अखरोट का पेड़ होता है और जिसे हम वॉलनट कहते हैं, ये उसका पेड़ है। और ये भी एक तरह का फ्रूट होता है गाइस, ये जो छोटे छोटे होते हैं, इनका नाम गाइस मैंने एक बार पहले भी आपको नाम बताया था लेकिन मैं भूल गया। तो देख पा रहे हो यार, चेकआउट करो यार, बाकी छोड़ो अब यार, लोकेशन चेकआउट करो, नीचे देख पा रहे हो कितना अच्छा लग रहा है मेरे को। चलते हैं गाइस आगे, ए फ्यू मिनट्स लेटर, ढूंढते हैं उनको, पता नहीं कहाँ पे चले गए। ओ भाई, ओ यार ये क्या, एक मिनट रुक यार, रुक एक मिनट रुक। ओ यार क्या यार, तेरे को बोला था रुक, मेरे को कुछ शॉर्ट्स लेने दे यार, क्या बंदा तू भी। रुक, हाथ दे, छोड़ना मत हाथ, रुक, हाथ दे जल्दी यार, छोड़ना मत हाथ, एक मिनट रुक, खड़ा हो थोड़ा, खड़ा पकड़, ओ एक मिनट रुक यार, रुक एक मिनट यार, एक मिनट यार, तेरे को बोला था ना रुक यार, हुआ कैसे यार, ये कैसे हुआ इतना, एक रुक, पीछे लेट जा यार, हुआ क्या यार, मतलब यहाँ ऊपर से सीधा तो आ रहा था, क्या हुआ तेरे को यार, तेरे को बोला था मुझे सिनेमैटिक्स लेने थे थोड़े, तो चलते हैं साथ में, तेरे को जल्दी थी, कहाँ में लगी तो नहीं ना, ज्यादा कहीं नहीं ना लगी यार, लेकिन रुक चलते घर चलते, तो बाकी कहाँ पे लगी है, ओ यार ये तो टूट गई यार, ऊपर चलते यार, कहीं चलते हैं यार, टूट गई, एक मिनट रुक, यहाँ से निकलना पड़ेगा, एक मिनट रुक, हाथ दे, निकलिए, उठ खड़ा हो, खून निकल रहा उंगली से, खड़ा हो, यहाँ पे बैठ जा, यहाँ पे बैठ, पीछे बैठ, आराम से पीछे हो के बैठ, पीछे यार। ओ यार ये मेरे को भी लग गया खून तेरा भाई, कहाँ पे लगी है, और यार ये यहाँ पे लगी है यार, एक मिनट, ओ यार, ओ यार ये लगी हुई है, तेरे को ज्यादा लग गई है यार खून, ओ भाई साहब, ओ एक मिनट यार, ये कट बज गया तेरे को यार, रुक, मैं कुछ करता हूँ, एक मिनट, ये है यार, ये घास तोड़ता हूँ, मतलब थोड़ी ना तो खून वगैरह निकल, एक मिनट रुक, क्या करें, एक मिनट रुक यार, ये इसी से दबा ले थोड़ा, यहाँ से रास्ता था, ये जो ये जगह है ना थोड़ी, मतलब ये यहाँ से ना सीधा नीचे चला गया, और अभी ना वहाँ पे जाके पड़ा, आप देख सकते हो यार, भाई अभी ना गंदा सीन हो गया यार, अभी आए थे मतलब थोड़ी, चल चलते हैं आगे चलते हैं। उस वक्त कुछ ऐसा सीन हो चुका था कि अजहर भाई को कुछ ज़्यादा ही लग चुकी थी, और मैं बना रहा था व्लॉग, और मैं ना कंटेंट के पीछे ही जा रहा था, मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, मतलब मैं रिएक्शन दे रहा था, तो जो टांग में कुछ ज़्यादा कट लग गया था मैंने तो नॉर्मली ही समझा, तो स्टिचेस वगैरह भी लगे 2-3, थोड़ा लेट व्लॉग पड़ रहा है। तो अब तो अजहर भाई अच्छे से मतलब ठीक हो गए हुए हैं, जो यूट्यूबर होते हैं वो ऐसे ही रिएक्शन देते हैं, ठीक है। सो कंटेंट के पीछे जब भी बंदा जाता है ना, वो ऐसे ही रिएक्शन देता है, चाहे जितनी मर्जी लग जाए। तो मैं भी मतलब रिएक्शन के पीछे ही जा रहा था, मैं भी मतलब अपनी तरफ से रिएक्शन दे रहा था, बट मेरे को नहीं पता था कि कुछ ज़्यादा ही लग गई है। तो जब हमने घर लाया और फिर स्टिचेस वगैरह जब लगे, तो मैं हैरान परेशान रह गया। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खाते रहो, पीते रहो, मस्त रहो, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, और मेरे FB पेज को भी यार फॉलो कर दो।